लगातार और मैं हूं रजनीश। इस वक्त मैं मौजूद हूं धुरवा के शहीद मैदान में। यहां पर लगभग 500 की संख्या में विद्यार्थी जमा लगाए हैं विधानसभा घेराव के लिए। जब से बीजेपी नीति आई है तब से विद्यार्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी संबंध में विद्यार्थियों से जा रहे हैं क्या मांग रहे हैं आप झारखंड इसी पहले भी आप सुने इन्हें मुख्तार आलम को कि किस तरह से ये अपनी बातों को कह रहे थे। 60-40 नहीं चलेगा अंतिम राजनीतिक झारखंड में विद्यार्थी घूमते हुए यहाँ तक पहुँच आए हैं, लेकिन विधानसभा से पहले ही एक बैरिकेड कर दी गई है और पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद कर दी गई है। इससे आगे इन्हें नहीं पढ़ने दिया जाएगा। यहीं पे इन्हें अब काबू कर ले उसके लिए पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। आप देख पा रहे होंगे कैमरों के माध्यम से कि किस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या में विद्यार्थी सड़क किनारे आगे खड़े हो गए हैं। पुलिस प्रशासन के भी पूरी तरह से मुस्तैदी की गई है। प्रशासन को भी यहाँ भरा गया है कि किसी प्रकार का कोई अराजकता ना फैले उसको लेकर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। वहीं छात्रों की भी संख्या कम नहीं है, वो भी एक भारी संख्या में विधानसभा घेराव करने के लिए निकल पड़े हैं। देखते हैं ये कहां तक जा पाते हैं, विधानसभा तक जा पाते हैं या फिर इन्हें कहीं बीच में रोका जाता है। आप देख पा रहे हो किस प्रकार से विद्यार्थी विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़े हैं। झारखंड के लगभग सभी जिलों से ये आए हुए हैं और ये अपनी संख्या जो भारी मात्रा में है वो लेकर के यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हो